नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 1999 के कारगिल युद्ध में अपने सीने पर 17 गोली खाने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पहुंचने पर यादव समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव और उनके समर्थकों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही चर्चा में बताया गया है कि 1999 के युद्ध में 527 सैनिक हमारे देश के शहीद हुए थे, उन सैनिकों को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, उन्हें उनकी कब्र में दफना दिया था। जैसे हमारे वीर जवान सैनिक द्वारा कार्य किया गया और देश की रक्षा की गई, आप मुख्य अतिथि के रूप में केबीसी में भी पहुंचे थे। वर्तमान में समाज सेवी राष्ट्रीय यादव अहिर रेजिमेंट के मुख्य संयोजक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। सर बताइए, आपको परमवीर चक्र मिला है और आज लगभग आपको 17 गोली भी लगी थी जब 1999 का युद्ध हुआ था और भारत को जीत दिलाई थी, तो आज के सैनिकों के लिए आपका क्या संदेश है? हाँ बिल्कुल, मैं इस महाकाल की धरती उज्जैन को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जो ये हमारा यादव समाज जिसने आज इस महाकाल की धरती पर मेरा स्वागत किया है, मेरा मान और सम्मान किया है, भाई संजय जी, इनको भी मेरा नमन है, वंदन है। और हर एक सैनिक अपने फर्ज को अदा करता है और ये आज से नहीं, सनातन काल से चलता आ रहा है। ये धरती तो वीरों की, वीरांगनाओं की धरती रही है। जब जब इस धरती ने एक शीश को मांगा है तो हमारे बेटे बेटियों ने, लाखों ने बढ़कर के अपने शीश को कुर्बान किया है। मुझे भी मौका मिला 19 साल की अवस्था में कारगिल का युद्ध लड़ने का, और ऐसी दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर हमने वो युद्ध लड़ा हमारी सेना ने, कि जहाँ पर -20 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था, दुश्मन ऊपर था, लेकिन फिर भी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। उस माँ भारती के लिए, उस तिरंगे के लिए ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन पहाड़ियों के शिखर पर चढ़ करके उनके बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाया। और इस 52 दिन की लड़ाई के दौरान हिंदुस्तान के 527 जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और 890 से ज़्यादा हिंदुस्तान का सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ। और आज भी हमारा सैनिक हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह कर रहा है, तभी तो ये राष्ट्र उन्नति और तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है।